दोस्तों, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि व्हाट्सएप हमें अपनी सर्विस फ्री में क्यों देता है? और सच में वह फ्री ही है तो आखिर वह पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशन है वो या तो एड्स के जरिए या फिर अपनी सर्विस बेचकर पैसा कमाती है। और व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो न ही एड्स के जरिए और न ही सर्विस बेचकर पैसा कमाती है। दोस्तों, आज हम व्हाट्सएप की वे सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानकर आप पूरी तरह से शॉक रह जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत। बस वीडियो को अंत तक देखना और बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, व्हाट्सएप को समझने के लिए हमें 2009 में जाना होगा, क्योंकि यही वह साल था जब व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन के रूप में मार्केट में आया। जब आईफोन व एंड्रॉइड की कुछ समय पहले ही शुरुआत हुई थी वो फेसबुक दुनिया में तेजी से फैल रहा था। उस समय ब्रेन एक्टर नामक एक अमेरिकी प्रोग्रामर ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने उसे इस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया। तभी उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। वो चीन के साथ मिलकर व्हाट्सएप नामक एक स्मार्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाया। शुरुआती क्षणों में यह केवल स्टेटस अपडेट करने के ही कार्य आता था। वो समय के साथ साथ व्हाट्सएप को अपडेट भी किया गया। वह शुरुआत हुई प्राइवेट मैसेजिंग की, जिस कारण व्हाट्सएप का विस्तार बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय लोगों के पास फ्री मैसेजिंग करने का कोई भी एप्लीकेशन नहीं था। उस समय लोगों के लिए यह कोई मामूली सी बात नहीं थी। अब व्हाट्सएप फेमस तो हो चुका था, परंतु फ्री होने के कारण इसके डेवलपर्स ब्रेन एक्टन व जिन को इससे कोई भी कमाई नहीं हो रही थी। वैसे देखा जाए तो कोई भी एप्लीकेशन तीन तरीके से पैसा कमाती है। नंबर वन, एड्स के जरिए। नंबर टू, इन ऐप परचेसेस, यानी कि ऐप के अंदर अपनी कोई सर्विस बेचकर। नंबर थ्री, अपने यूजर का डाटा सेल करके। लेकिन व्हाट्सएप इन तीनों फार्मूले के खिलाफ था, जिस कारण शुरुआत में व्हाट्सएप कुछ समय के लिए फ्री रहा, लेकिन जैसे जैसे यूजर बढ़ते रहे वो वीडियोज व इमेज भेजने जैसे फीचर ऐड होते रहे, वैसे वैसे इसे फ्री रख पाना मुश्किल से नामुमकिन सा हो रहा था। दरअसल व्हाट्सएप को मैनेज रखने के लिए एक बड़े सर्वर व एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ने लगी थी, और ये फ्री करना इम्पॉसिबल सा था। फिर कई सोच विचार करने के बाद डेवलपर्स ने इसे $1 प्रति माह फी रखी। वो भारतीय रुपये के हिसाब से यह उस समय 49 रुपये की होती थी। हालांकि इससे व्हाट्सएप की कमाई इतनी ही हुई थी जिससे कि केवल इसे चलाए रखने का ही पैसा जमा हो सकता था। समय के साथ साथ व्हाट्सएप के यूजर भी बहुत तेजी से फैल रहे थे, जिस कारण बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने व्हाट्सएप को अप्रोच करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये डेवलपर्स ने इन्वेस्टरों के किसी भी अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने के बाद व्हाट्सएप में एड्स वगैरह जोड़ देंगे। हालांकि इन्वेस्टर के आने से व्हाट्सएप की अब अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, लेकिन डेवलपर्स ने व्हाट्सएप को एक अच्छे मैसेजिंग ऐप बनाने की ओर ही रखा। दोस्तों, जितना ज्यादा यूजर बढ़ रहे थे उतने ही इन्वेस्टर भी बढ़ते जा रहे थे। काफी समय तक व्हाट्सएप एक मेन कमाई बनी रही, लेकिन यह अधिक समय तक काम नहीं आया। अब ब्रेन एक्टर ने इस एप्लीकेशन को किसी अच्छे खरीदार को ढूंढकर इसे बेचने का फैसला किया। वो 19 फरवरी 2014 का वह दिन जब फेसबुक की तरफ से यह बयान आया कि उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन की रकम में खरीद लिया है। यह रकम बहुत बड़ी थी, जिसे बहुत से लोगों को यकीन तक नहीं हुआ, जिस कारण बहुत से लोगों ने इसे बेवकूफी सा साबित कर दिया, क्योंकि फेसबुक के पास खुद का ही मैसेजिंग ऐप मैसेंजर उपलब्ध था। वो मार्क जुगरबर्ग ने 2016 में इसे पूरी तरह से फ्री कर दिया। दोस्तों, जुगरबर्ग ने व्हाट्सएप फ्री तो कर दिया था, परंतु वह अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फेसबुक किसी को बताए व्हाट्सएप यूजर का डेटा फेसबुक पर टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। साल 2021 की शुरुआत में लोगों का डेटा कलेक्शन करने के चलते फेसबुक को दुनिया भर से काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप पर सभी यूजर को टर्म एंड कंडीशंस को प्राइवेसी पॉलिसी का एक फॉर्म दिया गया था, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद ही यूजर व्हाट्सएप को यूज करना जारी रख सकता था। हालांकि बाद में इस फॉर्म को एक्सेप्ट करने की डेट आगे बढ़ा दी थी। बस अंत में ही कहना चाहेंगे, करते चलो बढ़ते चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।